यमराज मृत्यु के देवता हैं। जब भी किसी प्राणी का प्राण निकलता है तो उसकी आत्मा यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। धरती पर जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका मरना तय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक गलती के कारण एक ऋषि ने यमराज को ऐसा श्राप दिया कि उनकी भी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यमराज को किसने और कब श्राप दिया, इस विषय में महाभारत में जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मंडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मंडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मंडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मंडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। ताजुब की बात है, सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मंडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हे यमराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। यमराज, तुमने अपने पद के घमंड में छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि भीष्म पितामह के सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्र वीर की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती, जो कि उनकी माता थी, ने अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती हैं। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा हुआ जो कि धृतराष्ट्र के नाम से जाने गए और एक का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित हुआ जिन्हें पांडु के नाम से जाना गया। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। बड़े होकर विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री बने थे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने विदुर से मिलने वन जाने का निर्णय लिया। विदुर ने युधिष्ठिर को देखते ही अपना प्राण त्याग दिया और उनमें समाहित हो गए, क्योंकि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।